चलो अब थोड़ा आज का टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और आज के टॉपिक में अपन क्या क्लियर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो स्पेशली अगर बोला जाए तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से रिलेटेड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अकॉर्डिंग है। और थोड़ा मैं अपना भी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं रुपेश शर्मा, आप मेरा चैनल देख रहे हैं न्यू थिंक न्यू आइडिया। और यहाँ पे मैं पर डे हर दिन एक वीडियो देता हूँ और यहाँ पे जो कंटेंट होता है, मतलब कि डेली लाइफ रूटीन जो होता है, मतलब एक इंसान के लाइफ में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को क्लियर करता हूँ। और आई नो डैट अगर आप बोल सको, अगर जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ और यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देखे, जिस अकॉर्डिंग मेरा वीडियो देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग उस बंदे को मैं मोटिवेट कर पाऊँ और उसका जो भी डाउट हो क्लियर कर पाऊँ, इसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं जो वीडियो बनाता हूँ, इंफॉर्मेशन बेस, एक्सपीरियंस बेस, इसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है इसी पे है कि जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अकॉर्डिंग जो उन लोगों का प्यार मोहब्बत का सीन होता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा यहाँ पे। और इसको अपन इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं, ये अगर देखो आप तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और कहीं पे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ये खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जिस चीज़ का एक्सपीरियंस किया हूँ और मतलब कि मेरे अगल बगल जितने भी बंदे रहे हैं, जितने भी बंदी रही हैं, उन सबको देखते हुए उन चीज़ों का इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आज इस टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा कि जैसे कि किसी बंदा या बंदी किसी का ब्रेकअप होता है तो फिर क्या कंडीशन होता है, और मतलब कि उस चीज़ से बाहर निकलना कैसे पॉसिबल है, आज इसी चीज़ के बारे में बात करूँगा और यही टॉपिक क्लियर करूँगा। और दो तीन चीज़ें ऐसी दूँगा मतलब कि आपको बहुत ही आसानी होगा, मतलब खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँगा जिस चीज़ को फॉलो किया हूँ मैं और मेरे अगल बगल जितने बंदे रहते थे, बंदी रहती थी, जो लोग जिस चीज़ को फॉलो करता था, उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा आज, ठीक है। और 3 से 4 ट्रिक आपको ऐसा दूंगा जिससे आपको यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आप इस चीज़ को फॉलो करके उस चीज़ से बाहर निकल पाओगे, ठीक है दोस्त। तो आज का जो टॉपिक है यही टॉपिक है और इसी टॉपिक को क्लियर करते हैं। चलो अब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है और रियलिटी क्या है इस चीज़ की। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करूँगा और इस चीज़ को क्लियर भी करूँगा और यहाँ तक अपना मैं 100% दूंगा और पूरा मतलब कि जितना हो सके उतना से ज़्यादा क्लियर करूँगा। और दोस्त क्योंकि अगर क्लियर करूँगा तो मैं तो 10-15 मिनट के वीडियो में क्लियर कर नहीं पाऊँगा, लेकिन पूरा 100% कोशिश करूँगा कि जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर कर दूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे को कमेंट करके बताना, इसका नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा। चलो अब वीडियो शुरू करता हूँ और इसके बारे में मैं बताता हूँ कि क्या है कैसे है। सबसे पहले नंबर बात की ट्रिक के बारे में बताता हूँ। देखो सबसे पहला ट्रिक, अगर किसी से आपका रिलेशन है, कुछ भी हो, अगर वहाँ पे आपका ब्रेकअप होता है तो वहाँ पे कभी भी उस इंसान की अच्छाई कभी भी मत सोचना, ठीक है। अब पहले इसी को क्लियर करते हुए चलता हूँ कि जैसे कि अब इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि स्पेशली किसी लड़का के लिए है या लड़की के लिए है, क्योंकि मैं खुद एक लड़का हूँ इसलिए ये वीडियो जो है, और मतलब ये दोनों फॉलो कर सकता है, या लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो इस चीज़ को फॉलो कर सकता है। क्योंकि मुझे देख के ऐसा मत समझना कि मैं स्पेशली लड़का के लिए ही बना रहा हूँ या लड़के को ही इस चीज़ के बारे में मोटिवेट कर रहा हूँ,
इसका इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों के लिए है, दोनों पे वर्कआउट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर चीज़ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है या हुआ है, तो सबसे पहले नंबर बात कि उस इंसान का, ठीक है, उस इंसान का कभी भी अच्छी चीज़ों के बारे में याद नहीं करो। ठीक है, क्योंकि आई नो डैट एक रिलेशन है, एक रिश्ता है, तो आई नो डैट अप्रॉक्स 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, आई नो डैट किसी का रिलेशन कितना दिन का हो सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट कंडीशन और सिचुएशन सेम होता है इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहला नंबर कि उस इंसान का जो भी अच्छाई है ना, मतलब कि जो भी उस बंदा या बंदी ने आपके साथ कभी अच्छा किया है या कुछ भी किया हो, क्योंकि एक रिलेशन में अच्छा और बुरा सब होता है, ठीक है, तो कभी भी उस इंसान की अच्छी चीज़ों को याद कभी भी मत करना। ठीक है, क्योंकि जब आप उसकी अच्छी चीज़ों को याद करते हो ना, तो तुम शायद कितना भी कोशिश करो, कुछ भी करो, उस चीज़ को भूल नहीं पाओगे। क्योंकि जो बोला जाता है ना कि अगर किसी के साथ कंटिन्यू रहते हो 1 साल 2 साल या कुछ भी, तो उस जगह पे अटैचमेंट हो जाता है, तो सीरियस सी बात है, मतलब कि ऐसा नेचर फैक्ट है कि किसी के साथ कंटिन्यू तुम रहते हो तो उसके साथ अटैचमेंट हो ही जाता है। ठीक है, तो जब वो इंसान मतलब तुम्हारे लाइफ से निकल के कहीं और जाता है, तो फिर तुमको उस चीज़ का ज़रूरत महसूस होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब कि बहुत टाइम साथ रहने से हर चीज़ का अटैचमेंट होता है, मतलब कि फिर तुमको नीड होता है, ज़रूरत होती है। तो यार दोस्त, कभी भी उस इंसान की अच्छी चीज़ों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जब भी याद करोगे हमेशा मतलब तुमको प्रॉब्लम होगा और हमेशा तुम उस चीज़ से दुखी होगे, क्योंकि अच्छी चीज़ों को याद करना मतलब कि दुखी होना ही होता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी अच्छी जो अच्छी चीज़ है या जो भी उसका बाय नेचर जो अच्छा है या कुछ भी तुम्हारे लिए जो अच्छा होता हो या होती है, तो उन चीज़ों को कभी भी याद नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को अपने माइंड से हमेशा आउट करना चाहिए और निकाल देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर अच्छी चीज़, जितनी भी आप इस चीज़ को देख लेना, सुनना, प्रैक्टिकली करना और समझना, जितनी भी अच्छी चीज़ होती है ना और जिस चीज़ का ज़रूरत होगा तुमको, वो कभी नहीं मिलता। ठीक है, तो उस चीज़ को मतलब अपने दिमाग से निकाल देने में ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, और दूसरी नंबर में बात करूंगा कि बहुत सारे ऐसे लड़का है, लड़की है, जो ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होने के बाद नशे पत्ते में चले जाते हैं, जैसे कि नशा वशा करने लगते हैं, ड्रिंक वरिंक करने लगते हैं, पता नहीं कौन कौन सा नशा करते हैं, आई डोंट नो। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो यार नशा कभी भी मत करना। ठीक है, ना कभी ड्रिंक करना, ना एनीथिंग मोर देन, कोई भी नशा तुम मत करना, क्योंकि नशे के अकॉर्डिंग इंसान का जो माइंड होता है ना, जब आप नशा करते हो तो आपका जो माइंड होता है उस हमेशा मतलब जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हुआ है, जिस चीज़ से आप दुखी हो ना, नशा करने के बाद उस नशे के अकॉर्डिंग आपके माइंड में ऐसा कोई मतलब कि केमिकल लोचा होता है ना दिमाग में, ठीक है ना, वो हमेशा उठा के तुमको उसी जगह पे ले जाएगा जहाँ पे तुम जाना नहीं चाहते हो। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में तुम सोचना नहीं चाहते हो, जिस चीज़ को याद नहीं करना चाहते हो, नशा करने के बाद तुमको वहीं पे लेके जाएगा। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और इन सब चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस किया हूँ तभी यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें जिस चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम हुआ उस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि शायद अगर मेरा वीडियो कोई भी देखे तो उस बंदे को या बंदी को इस चीज़ के बारे में पता चले कि ऐसा करने से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता।
ठीक है, लोग बोलते हैं कि नशा वशा करने से तुम भूल जाओगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम रिलैक्स हो गए, फिर उठोगे, फिर ख़त्म होगा, फिर वहीं पे जाओगे। ठीक है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो खुद को प्रॉब्लम होती है, और तुम्हारा खुद का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का, हर चीज़ का सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो यार दोस्त, अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ होता है, ठीक है, तो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू यार, नशा कभी भी मत करना, क्योंकि किसी चीज़ को भूलने के लिए, किसी चीज़ की अगर तुम एडिक्टेड हो जाओ, तो आई नो डैट इसको अच्छा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है ना, जो अगर अच्छा है, अगर तुम्हारे लाइफ में से अगर उस वाक्य में अच्छा होगा, तो कभी नहीं जाएगा। ठीक है यार, अगर चला गया तो अपने दिमाग से इस चीज़ को निकालो ना, मतलब कि अपने दिमाग को सेटअप करो, जो गया शायद उससे बेटर होगा, जो चीज़ चला गया उससे कहीं अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो यार दोस्त, अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने माइंड को सेटअप करो, अगर तुम उसी चीज़ में पड़े रहोगे ना, ठीक है, तो वहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगे। ठीक है, और तीसरी नंबर जो बात करते हैं, मतलब इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो, मतलब कि तुम समझ नहीं सकते हो कि मतलब इंडिया के तो छोड़ो, पूरी दुनिया के बारे में इस टॉपिक पे बात करेंगे, कि मतलब कि इस चीज़ में जो प्यार मोहब्बत होता है, ब्रेकअप होता है, यार इसके अकॉर्डिंग तुम सोच नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो कितना बंदा बंदी सुसाइड करता है। ठीक है, कितना लड़का और लड़की सुसाइड करता है बस इसी एक रीजन से। ठीक है, और मतलब कि ऐसा तो नहीं हो सकता है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब कि जो रियली में जो लव होता है, व्हाट इज लव, मैं यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो है, आप विजिट करना, आप मेरे चैनल को, आप वहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो कि क्या होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई सुसाइड करता है या कुछ भी करता है, तो बहुत ही गलत होता है। ठीक है, क्योंकि एक मतलब छोटा सा रीजन होता है, छोटा सा ही रीजन होता है, छोटा सा टॉपिक होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए अटैचमेंट होता है, जो भी होता है, अटैचमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है, आई नो डैट, मुझे पता है कि क्या होता है, बट तुमको नहीं पता है, तो मेरे चैनल पे पहले से वीडियो है, इस चीज़ को देखना, तुम समझ पाओगे कि रियलिटी कहाँ पे होता है। ठीक है, तो दोस्त, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई सुसाइड करता है या कुछ भी करता है, पूरा लाइफ हेल करता है, तो इस सबसे जो गलत थिंक होता है, बहुत ही गलत थिंक होता है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी वर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि एक लड़का एक लड़की के लिए, या एक लड़की एक लड़का के लिए अपना पूरा लाइफ बर्बाद करे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक लाइफ के अकॉर्डिंग बहुत सारे लाइफ, बहुत सारे सिचुएशन और कंडीशन अटैच रहते हैं, तो ऐसा करना गलत होता है। ठीक है, तो यार दोस्त, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है, तो मैं जो जो चीज़ें तुम्हें अभी बताया, उस चीज़ को फॉलो करो। ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करोगे, आई नो डैट 100% श्योर कि तुम वहाँ से बाहर निकलोगे और कुछ अच्छा करोगे। ठीक है, और जो नशे वशे की बात होती है, इसमें गलत होता है। ठीक है, मतलब कि एक
शौक के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक बोला जाता है ना कि जरूरत नहीं है, बस मजे के लिए कर रहा हूँ। तो मजे करने के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ जरूरत बन जाए ना वो गलत होती है। तो यार किसी चीज़ को छोड़ने के लिए, किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड हो जाओ, पूरा लाइफ अपना हेल कर लो, तो मैं ऐसा सजेशन कभी भी नहीं दूंगा। और दोस्त, इस टॉपिक को तो अगर क्लियर किया जाए, समझा जाए, तो बहुत ही लंबा जाएगा, और दोस्त वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बोरियत भी फील होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा आईडी Rupesh Sharma 941 है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट मेरे को फॉलो कर सकते हो। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे को कॉमेंट करके बताना, कॉमेंट में जैसा रिस्पॉन्स आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बनाऊँगा। अगर इससे भला होगा, आई नो डैट, इसका दूसरा पार्ट भी मैं बना दूंगा, बट इसका कमेंट बताना, इसका रिस्पॉन्स देना, तभी कुछ कर पाऊंगा। थैंक्स।